Hello student, welcome to today's class. Today we'll study lesson number 2 of the book Rainbow, class 12th, English compulsory, book 1st, lesson number 2, a room 10 by 8. So ye part jo hai, लेसन नंबर 2 जो है हमारा, ये एक भारत के महान लेखक करतार सिंह जी दुग्गल, के एस दुग्गल जिनका नाम है, के एस दुग्गल, करतार सिंह जी दुग्गल, उनके द्वारा लिखा गया है। और ये पंजाबी और हिंदी के महान लेखक थे। इन्होंने 500 से अधिक कहानियां, 10 उपन्यास और इसी के साथ 10 कहानियां नाम से एक मूवी है, उसका भी इन्होंने संपादन किया था। इन्होंने लिखी थी वो मूवी 10 कहानियां नाम से। इन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार भी मिला। इनका जन्म जो है 1 मार्च 1917 में हुआ, जो कि पहले इंडिया का डिवीजन विभाजन नहीं हुआ था उस समय। रावलपिंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और वर्तमान में इनकी मृत्यु जो है 2012 के अंदर पंजाब में हुई। तो पंजाबी के साथ साथ में ये हिंदी और इंग्लिश के राइटर भी है। तो ये लेसन हमारा, लेसन का नाम है लेसन नंबर 2, ए रूम 10 बाई 8। पाठ की मुख्य कहानी जो है वो जनरेशन गैप, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा है हमारा, उसके ऊपर आधारित है। और ये पाठ हमें ये शिक्षा देता है कि जैसा हम दूसरों के प्रति सोचते हैं, दूसरों के प्रति व्यवहार करते हैं और दूसरों के लिए कुछ अहित करने की सोचते हैं, तो कई बार हमारे को स्वयं उसके दुष्परिणाम को भुगतना पड़ता है। यहाँ श्रीमती मलिक नाम से एक महिला को दिखाया गया है, जो अपनी सास को एक नया मकान बनाते हैं। उसमें एक छोटा स्टोर रूम जैसे सामान डालने के लिए हम लोग बनाते हैं, तो ऐसा स्टोर बना रहे होते हैं, तो स्टोर को बड़ा करवा देती है और कहती है कि ये स्टोर रूम जो है, इसके अंदर मेरी सास जो वो रह जाएगी, ये थोड़ा अलग से बना हुआ है, सेपरेट बना हुआ है, एक साइड की एक कोने के अंदर, और बाकी जो मकान है उसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होगी, इसलिए वो अपनी सास के लिए वो स्टोर रूम बनाती है। लेकिन फाइनली जो है इसका दुष्परिणाम उसे स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। और किस प्रकार से ये घटनाक्रम होता है और क्या शिक्षाएं हमारे को मिलती है, ये हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। दिस रूम माइट बी 10 बाई 8, सेड मिसेस मलिक, पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान लेइंग ऑन द टेबल बिफोर देम। दिस रूम, ये कमरा, मिसेस मलिक जो कि खड़ी हुई है एक टेबल के ऊपर, जो है वो एक नक्शा जो बना के लाते हैं मकान का, वैसा एक नक्शा रखा हुआ है। उन्होंने एक प्लॉट खरीदा है, उसके ऊपर मकान बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो टेबल के ऊपर, जो पुराना घर है उनका किराए वाला, वहाँ पर टेबल पे रखा हुआ है। और मिसेस मलिक जो है वो बोलती है कि ये वाला कमरा जो है, नक्शे लाइने खींच के नक्शे बनाए हुए हैं और नक्शे के ऊपर बता रही है कि ये नक्शे के ऊपर ये जो कमरा है ये 10 बाई 8 का होना चाहिए। सेड मिसेज मलिक, किसने कहा? मिसेज मलिक ने कहा। पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए, टू ए स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, चौकोर वर्ग जो बने हुए थे पेंसिल से, मकानों को दर्शाने के लिए बनाए हुए थे। ड्राफ्ट मतलब होता है नमूने का, जो कच्चा नक्शा होता था, प्लान, ड्राफ्ट प्लान। लेइंग जो कि पड़ा हुआ था, ऑन द टेबल बिफोर देम, बिफोर होता है सामने, उनके सामने जो जब नक्शा पड़ा हुआ था, उस नक्शे को देखकर मिसेज मलिक कहती है कि इस नक्शे में ये वाला जो कोने में कमरा है ये 10 बाई 8 का बनाना। भाई किसको बोल रही है? ये जो वहाँ पर लोग हैं, उसके पति हैं और जो कारीगर है, मिस्त्री है वहाँ का, उसको बोलती है। इट वॉज द थर्ड टाइम, और ये कितनी बार बोला उसने, थर्ड टाइम। मिसेज मलिक की इसके बारे में बहुत जिज्ञासु है कि यार ये छूट ना जाए, ये छोटा ना बना दे इस कमरे को, तो वो तीसरी बार कहती है, अपनी बात को दोहराती है, दैट सी हैड मेड दिस सजेशन। सजेशन मतलब था सुझाव। मिसेज मलिक ने ऐसा सुझाव तीसरी बार दिया है। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, इट डिडंट रजिस्टर, कि ये रजिस्टर नहीं हो रहा है, किसी के भी दिमाग के अंदर नहीं जा रही है ये बात कि मैं कब से चिल्ला रही हूँ और ये ऐसा होना चाहिए। न तो इधर, मतलब न तो इधर, न तो उसके पति सुन रहे हैं उसको, और
और द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट मतलब होता है शिल्पकार, जो कारीगर है, आर्किटेक्ट। इंगेज किया जिसको, इंगेज मतलब काम में लगाया है, किसे क्या करने में, डिजाइन करने में, द हाउस, डिजाइन मतलब निर्माण करना बनाना। और उसको ऐसा लग रहा था कि यार मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, ना तो मेरा पति सुन रहा है और ना ये कारीगर सुन रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ फिर भी, तो इसीलिए वो बार बार अपनी बात को दोहराती है। द मलिक्स वर गोइंग, अब यहाँ मलिक्स की कहानी बताता है कि मलिक्स जो है वो कौन है और कहाँ से आए हैं। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। अब मलिक्स जो है वो क्या है, पति पत्नी है दोनों, और हैव रखना मनाना चाहते हैं अपना ओन, ओन मतलब होता खुद का, अपना खुद का मकान बनाना चाहते हैं वो लोग। कहाँ पर बनाना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर। दे हैड परचेज्ड ए प्लॉट, उन लोगों ने अभी परचेज कर लिया है, खरीद लिया है एक प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी। फैशनेबल होता है अत्याधुनिक, एक अत्याधुनिक अच्छी कॉलोनी के अंदर उन्होंने एक मकान के लिए प्लॉट भी खरीद लिया है। ऑफ द टाउन कस्बे की समटाइम एगो, उन्होंने कुछ टाइम पहले ही मकान के लिए प्लॉट खरीद लिया था और अब वो चाहते हैं कि उसके ऊपर वो मकान बनाए। मिस्टर और मिसेज मलिक की कहानी बता रहा है यहाँ पर, मकान बन रहा है तो उससे पहले की बातें। नाउ दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, यानी उसके पति जो है वो किसी जॉब के अंदर है, वो साइड में जॉब करते हैं, उनकी बार बार पोस्टिंग जो है वो अलग अलग जगह पर उनका ट्रांसफर होता रहता है, और पहले वो दिल्ली के अंदर रहते थे और अब वापस काफी समय बाद उनका ट्रांसफर हुआ है, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। दे थॉट, उन्होंने अब सोच लिया है कि दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, और वो प्लॉट तो उनका पहले से पड़ा ही था वहां पर, तो अब उन्होंने सोचा कि उन्हें माइट मतलब अवश्य ही बना लेना चाहिए, वहां पर क्या बना लेना चाहिए, एक हाउस बिल्ड कर लेना चाहिए। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, और अपने मन ही मन में, दिल ही दिल के अंदर, हार्ट्स ऑफ हार्ट्स, मिसेज मलिक जो है आल्सो डिसाइड, श्रीमती मलिक जो है वो तंग आ गई थी बार बार इधर उधर ट्रांसफर होने के कारण, और उसने अपने दिल ही दिल के अंदर एक डिसीजन बना लिया था दैट आफ्टर द कम्प्लीशन, कि जैसे ही कम्प्लीशन हो जाएगा, कम्प्लीशन मतलब था पूरा हो जाना ऑफ द हाउस, जैसे मकान का निर्माण पूरा हो जाएगा, शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वो वहीं पर रहेगी। स्टे बैक होता है ठहर जाना, रुक जाना, वो दिल्ली में ही रह जाएगी चाहे उसके पति का ट्रांसफर कहीं भी हो जाए। If her husband was transferred to another station, चाहे उसका पति का ट्रांसफर दूसरे स्टेशन, स्टेशन मतलब बड़े शहरों के अंदर हो, कहीं पर भी हो जाए। She was sick of the posting, अब वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, सिक मतलब था शिकार हो जाना, पीड़ित हो जाना, वो बहुत पीड़ित हो गई थी उसकी बार बार पोस्टिंग जो है, पदस्थापन उनका अलग अलग जगह पर हो जाता था, पोस्टिंग हो जाती थी। Every other year they were moved to a new place. एवरी अदर ईयर, हर साल उन्हें मूव करना पड़ता था, मूव मतलब था एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, न्यू प्लेस, एक नई ही जगह के ऊपर जाना पड़ता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, क्योंकि अब जो बच्चे जो है वो क्या हो रहे थे, ग्रोइंग अप हो गए थे, पहले तो वो छोटी कक्षाओं के अंदर थे तो मिसेज मलिक उनको लेकर के अपने साथ में जाती थी, लेकिन अब बच्चे कहता है बड़ी कक्षाओं में हो गए थे और बार बार स्कूल करना, शिफ्ट करना उनका मिसेज मलिक को अच्छा नहीं लगता था। इट वॉज नॉट डिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब इच्छुक होना, टू शिफ्ट करना, शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, स्कूल टू स्कूल, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, मिसेज मलिक ऐसा नहीं चाहती थी। मिसेज मलिक सैड इफ ही मस्ट, मिसेज मलिक जो है वो कहती है कि इफ ही मस्ट, अगर उनको जाना पड़े, किसको, मिस्टर मलिक को, कुड गो ऑल अलोन, अलोन मतलब अकेले, कि अगर उनको जाना पड़े तो मजबूरी में उनको अकेले ही जाना होगा, अब मैं उनके साथ में नहीं जाने वाली, ना ही बच्चे जाने वाले हैं। सी वुड सेटल, सेटल मतलब होता है व्यवस्थित हो जाना, अब वो यहीं सेटल हो जाएंगे, परमानेंटली होता है पूरी तरह से, इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ में, दिल्ली के अंदर यहीं पर शिफ्ट रहेंगे। सी वुड हैव हर मदर इन लॉ, और उसके पास में उनकी क्या थी, मदर इन लॉ भी थी, मदर इन लॉ मतलब सासू माँ, उसकी सासू माँ जो है वहाँ पर है उसके साथ में, क्या करने के लिए, कंपनी देने के लिए, कंपनी मतलब साथ, साथ देने के लिए उसकी सासू माँ है और बाकी बच्चे तो है ही है, और इसलिए वो मन बना चुकी है कि वो अपने मिस्टर मलिक के साथ में नहीं जाएगी, और मिस्टर मलिक जो थे उनको भी इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ऑब्जेक्शन मतलब था विरोध करना किसी चीज़ का। दिस रूम माइट बी 10x8, तो ये बीच में अलग से कहानी मिस्टर और मिसेज मलिक की मैंने बताई है, और अब वही मकान का निर्माण हो रहा है, सेम उसी जगह पर कहानी जो है वो वापिस आ जाती है। दिस रूम माइट बी 10x8, मिसेज मलिक रिपीटेड,
एक बार फिर से, 3 बार पहले बोल चुकी है और फिर से कहती है, अरे ये वाला कमरा जो है वो 10 बाई 8 का बनाना, रिपीट मतलब था दोहराना, बार बार दोहराती है। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग, और उसका हस्बैंड जो था वो अटेंड कर रहा था, यानी ले रहा था, क्या ले रहा था, कॉल, टेलीफोन कॉल ले रहा था ऑन द एडजंक्ट रूम। एडजंक्ट मतलब था पड़ोस का, पड़ोस ही के कमरे के अंदर, दूसरा कमरा जो था वहां पर वो फोन कॉल पर बिजी था। बट दिस इज ए स्टोर, लेकिन यहाँ पर आर्किटेक्ट जो है वो सुन लेता है उसकी बात, कारीगर जो है वो सुन लेता है और कहता है, मैडम ये तो क्या है, स्टोर है, स्टोर मतलब भंडार करने का कमरा, और भंडार करने के कमरे के अंदर भंडार वाली चीजें रखी जाती है, जैसे अनाज या कबाड़ वगैरह या कोई पुरानी चीजें जो है वो डाल दी जाती है। तो कहता है स्टोर के अंदर तो थोड़ी जगह चाहिए, तो 10 बाई 8 का क्यों बनाए इसको। आर्किटेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है मिसेज मलिक को, यस बट आई थॉट, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आई कुड बी, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज एज ए स्टोर रूम। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ का जो है वो कमरा बना दूंगी, यानी यह संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित है, वो शादी करके आई है तो अपनी सासू को अपनी माँ मानने की बजाय वो जो है एक स्टोर रूम के कमरे के अंदर पटक देना चाहती है। तो कहती है कि मेरी सासू माँ के जो है रूम के लिए यूज हो जाएगा आफ्टर है, और उसके बाद में माइट भी यूज है स्टोर रूम ही, और उसके मरने की कल्पनाएं भी कर लेती है कि जैसे ही उनका स्वर्गवास हो जाएगा तो तब इसको किसके रूम में यूज किया जाएगा, स्टोर रूम के यूज में। तो यहाँ पर जो कारीगर खड़ा था बेचारा, शिल्पकार जो था, वो थोड़ा जो है वो चक्का रह जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और वो कहता है आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, सीम मतलब प्रदर्शित होना लगना, और ऐसा लग रहा था कि आर्किटेक्ट को ये बात जो है वो अंडरस्टैंड मतलब समझ में नहीं आई कि यार ये ऐसे कैसे कह रही है, जो बूढ़ी औरत है बेचारी, ये तो अभी जिंदा है, इसको अभी से मारने की प्रेरित चली गई है। ही लुक्ड पजल ली, वो उसको पजल लिखा, पजल मतलब एकदम से बिल्कुल कंफ्यूज हो जाना, बाय मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है इस प्रकार की जो बात उन्होंने कही थी इसके बारे के अंदर, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है जो निरीक्षण उन्होंने किया था कि इस कमरे को ऐसा बना दिया जाए और बाद में ऐसे यूज हो जाएगा। तो मिसेज मलिक भी इस बात को छेप जाती है कि यार मेरे मुंह से थोड़ा सा गलत निकली बात, तो अपनी बात को फिर क्या है रिकवर करती है और क्या कहती है, आई मीन मेरा मतलब था, फिर थोड़े रुक जाती है यहाँ पर आई मीन कह करके, माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट, वर्तमान में तो क्या है मेरी मदर इन लॉ इस कमरे को यूज कर लेगी, चल जाएगा काम। एज यू नो, जैसा कि तुम देख रहे हो जानते हो, शी इज ओल्ड, अरे वो तो बहुत ज्यादा क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है, और इनफर्म है, इनफर्म मतलब उसका शरीर जो है वो बहुत बूढ़ा हो गया, कमजोर है, बीमार भी रहती है, कमजोर या बूढ़ी, इनफर्म मतलब शी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, और वो यहाँ हमेशा के लिए रहने वाली थोड़ी है, एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड, कन्वर्ट होता है रूपांतरण कर लेना या बदल देना, और उसके बाद से जो बदल दिया जाएगा एक स्टोर रूम के अंदर। तो श्रीमती मलिक जो है एक्सप्लेन करती है इस बात को, और कैसे एक्सप्लेन करती है, हॉल्टिंगली, हॉल्टिंगली मतलब होता है ठहर के, रुक रुक करके बीच बीच के अंदर, तो अपनी बात को सही ठहराने के लिए कि यार थोड़ा गलत निकल गया मुंह से, तो वो उसको रिकवर करती है। मिस्टर मलिक जॉइंड देम, और जैसे मिस्टर मलिक का जो फोन कॉल है वो समाप्त होती है तो वो उनके पास में आ जाता है और उनको ज्वाइन कर लेता है। इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, और ऐसा लग रहा था, सीम मतलब लग रहा था कि वाइल होता है के दौरान, टॉकिंग टू ऑन ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पे बात करने के दौरान ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, कि उसने थोड़ा सा विचार किया था इस सजेशन के ऊपर, सजेशन होता है सुझाव, थॉट मतलब होता है विचार। ही टू वाज ऑफ द ओपिनियन, और उसका भी ऐसा ही ओपिनियन था, ओपिनियन मतलब था दृष्टिकोण, दैट द स्टोर शुड बी ए लिटल बिगर, कि ये जो स्टोर है वो क्या होना चाहिए, थोड़ा बिगर मतलब बड़ा होना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए कमोडियस स्टोर रूम, और वो कहता है कि हमेशा से ही ऐसा होता आया है कि स्टोर रूम जो है आजकल लोग जो वो कैसा बनाते हैं, कॉमोडियस बनाते हैं, कॉमोडियस मतलब होता है विशाल या बड़ा, सो दैट वन कैन मूव अबाउट, कि आदमी जो है उसके अंदर थोड़ा इधर उधर सामान लाना ले जाना आराम से निकल सके, ट्रंक जो होता है बक्से या संदूक जो है, फ्रीली मतलब होता है
बिना टकराए एक दूसरी चीजें से मुक्त होकर के, यानी कि ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भीड़ ज्यादा हो जाए, सामान निकलने की जगह ना बचे, इतना छोटा सा बना दे, देन इट इज ऑल्सो मोर कॉन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी। और इसके लिए ज्यादा कॉन्वीनियंट होता है, कॉन्वीनियंट होता है सुविधाजनक रहता है। अगर स्टोर रूम खुला होगा तो इसको कीप मतलब रखा जा सकता है, टाइडी मतलब होता है साफ सुथरा, जाले वगैरह लग जाएंगे नहीं तो अंदर कोई घुसेगा नहीं, जगह नहीं होगी, धूल जम जाएगी। अगर खुला होगा एरिया तो वहाँ साफ सफाई भी अच्छी हो पाएगी और सामान लाने और ले जाते समय जो है रास्ता भी बना रहेगा। तो ये मिस्टर मलिक जो है वो भी अपनी बात जो है पत्नी की बात को वाजिब ठहराते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेंट टू द किचन शुड बी 10x8। और अंत में ये डिसाइड किया जाता है कि रूम के साथ वाला एडजेंट मतलब पड़ोस वाला जो कमरा है किचन के, वो कितना होगा 10x8 का बनाया जाएगा। ये अपने पार्ट का नाम है द रूम बाई 10x8। द कोर्टयार्ड वुड बी ए लिटिल नेरोर। कहते हैं यार ये स्टोर रूम जो है वो छोटे बनाए जाते हैं, अपने उसको बड़ा कर रहे हैं तो कुछ जगह तो कम होगी होगी, तो जो कोर्टयार्ड जो है सामने का जो कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन, वुड बी लिटिल नेरोर, वो थोड़ा क्या हो जाएगा नैरो हो जाएगा। नैरो मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, संकुड़ा, संकीर्ण, कि यार उसको थोड़ा छोटा कर दिया जाएगा, नैरो मतलब छोटा संकीर्ण। बट दैट डिडंट मैटर मच, लेकिन ये ज्यादा मैटर नहीं रखता, थोड़ी बहुत जगह कम होगी उतना चल जाएगा। ऑल द रेस्ट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन। ऑल द रेस्ट, रेस्ट मतलब बाकी, बाकी सब चीजें जो है पहले से ही प्रोवाइड की जा चुकी थी, उपलब्ध करवा दी गई थी। प्रोवाइड मतलब था उपलब्ध करवा देना। फॉर एंड द प्लान वाज सबमिटेड, और ये प्लान जो है अंत में क्या हो गया, फाइनल हो गया, सबमिट करवा दिया गया। सबमिट मतलब जमा करवा देना, कारीगर को दे दिया गया कि भाई ऐसे ऐसे बनाना है, अप्रूवल के लिए सबमिट करवा गया, सॉरी कारीगर को नहीं, अप्रूवल के लिए। अप्रूवल मतलब होता है अनुमति, पास करवाना। जो प्लान जो है जो बड़ी शहर है दिल्ली वगैरह जैसी है तो वहाँ जो है वो मकान जो है वो सरकारी नियमों के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं, पहले नक्शा बना करके वैसा। तो ये अप्रूवल के लिए, पास होने के लिए नक्शा पहले पास करवाया जाता है, तो पास करने के लिए भेजा गया, किसके पास भेजा गया, कॉरपोरेशन के पास में। कॉरपोरेशन होता है निगम, दिल्ली का जो नगर निगम है उसके पास में। श्रीमती मलिक जो है टू कैन अनटायरिंग इंटरेस्ट, अनटायरिंग मतलब बिना थकान थकान के, अनटायरिंग मतलब अथक, इंटरेस्ट मतलब रुचि। मिसेज मलिक इसके अंदर बहुत रुचि लेती थी इन द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन होता है निर्माण, इस निर्माण के अंदर श्रीमती मलिक की बहुत ज्यादा रुचि थी। वो चाहती थी कि ये मकान जो है वो जल्दी से जल्दी बन जाए, द हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग, वो हमेशा ही जैसे निर्माण कार्य शुरू हो गया था वहां पर साइट के ऊपर प्लॉट के अंदर, तो वो वहां हमेशा खड़ी रहती थी साइट के ऊपर, साइट मतलब था स्थान, स्थल, विद हर अम्ब्रेला, साथ में अम्ब्रेला गर्मी के अंदर लेके रखती, थ्रू आउट मतलब था पूरा, थ्रू आउट द डे मतलब दिन। सी सुपरवाइज, वह निरीक्षण करती थी एवरी डिटेल, हर विवरण का, कि यार कितना क्या चीजें हैं क्या कुछ है। एट टाइम्स सी वुड गिव ए हैंड, और कई बार वो क्या करती थी, गिव ए हैंड होता है मदद करना, गिव ए हैंड, कई बार वो मदद करती थी किसकी, मैसन की। मैसन मतलब होता है जो मजदूर होते हैं, कारीगर होते हैं, उनको मैसन बोला जाता है। आर्किटेक्ट मतलब वो होता है जो नक्शा तैयार करता है, शिल्पकार, और मैसन होते हैं जो कारीगर जो मकान बनाते हैं, एंड अदर। कई बार उनका हाथ बटाती थी, काम भी करने लग जाती थी वहां पर, यानी कि शी वाज द फर्स्ट टू अराइव, वो सबसे पहले वहां पर अराइव मतलब पहुंच जाती थी साइट के ऊपर, उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था मकान के अंदर, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो पहुंच जाती है, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण की साइट। लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गोन अवे, और जब सब चले जाते थे उसके बाद लेफ्ट मतलब जाती थी। सी एंश्योर्ड, एंश्योर्ड मतलब होता है आश्वस्त हो जाना, पूरा पता लगा लेती थी इससे पहले, फिर बाद में आश्वस्त होती थी कि देर बाद नो वेस्टेज, किसी प्रकार की वेस्टेज नहीं हो रही है मेटेरियल की। एंड द लेबर, और जो लेबर लगी हुई है, लेबर मतलब मजदूर जो लगे हैं, डिड नॉट आइडल अबाउट, आइडल मतलब होता है आलस करना, कि यार मजदूर जो है वो कहीं फ्री बैठे हुए ना रह जाए, आइडल नहीं हो जाए। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, और इसमें बहुत लंबा समय लगा कि वो घर जो है वो पूरा निर्माण कार्य हुआ। मिसेज मलिक इंजिस्टेड दैट सी वुड हैव न्यू फर्नीचर,
और जैसे ही मकान पूरा हुआ तो श्रीमती मलिक जो है वो काफ़ी एक्साइटेड थी इस बारे के अंदर, और उसने अपने पति को क्या दिया, इंजिस्टेड किया। इंजिस्टेड मतलब था दबाव देना कि मकान तो नया हो गया है, अब जो है फर्नीचर जो है वो जो है क्या हुआ, न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, की घर के लिए पूरा फर्नीचर जो है वो भी क्या दिया जाए, नया बनाया जाए। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर, वो नहीं लेट मतलब था देना, नहीं अनुमति देगी ओल्ड फर्नीचर को एंटर द हाउस, न्यू हाउस की पुराना कबाड़ फर्नीचर जो है इसके अंदर लाया जाए। नॉट ए पीस ऑफ इट, एक टुकड़ा फर्नीचर जो है वो नहीं आने दूंगी, कहता है पुराने वाले में से तो एक चीज भी नहीं लानी है, पूरा फर्नीचर जो है वो कैसा आना चाहिए, नया आना चाहिए, बिल्कुल एकदम फ्रेश। दे आर स्टिल इन द मिड्स ऑफ द प्लान, अभी प्लान जो है वो बन ही रहे थे, स्टिल मतलब अभी तक, मिड्स होता है बीच में, प्लान अभी बीच में ही थे शिफ्ट होने के, वहां पर मकान तो बन गया था, फर्नीचर के आदेश हो रहे थे, प्लान जो योजना बना ली थी शिफ्ट करने की, शिफ्ट मतलब वहाँ पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में जाने की तैयारी थी। वेन दे लर्न, तभी उनको पता लगा, लर्न मतलब पता चला, दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, कि घर का जो है वो क्या कर लिया गया है, एक्वायर कर लिया है, एक्वायर्ड मतलब होता है अधिग्रहण कर लेना, उस एरिया के अंदर सरकार को किसी सरकारी कार्य के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए थी, और उस बिल्डिंग के पर्पज से उन लोगों ने, सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया कि ये जो मकान खाली पड़ा है इसे सरकार के कब्जे में लिया जाता है, और इसका मासिक किराया जो है वो मकान मालिक को दिया जाता रहेगा, जब तक सरकार को आवश्यकता रहेगी तब तक ये मकान किराए पर रहेगा, उसके बाद ये मकान आपको दिया जाएगा। तो मिसेज मलिक जो है वाज फुरस, फुरस मतलब होता है क्रोधित हो जाना, बट द नेक्स्ट मोमेंट, परंतु अगले ही क्षण जब मिस्टर मलिक ने मेंशन किया उसको, मेंशन मतलब होता है उल्लेख करना, जिक्र करना, द रेंट असेस्ट, असेस्ट मतलब होता है प्राप्त होना, कि ये जो इतना किराया जो है म्यूनसिपलिटी नगर निगम की तरफ से प्राप्त होगा, ऐसा उसने बताया मिस्टर मलिक ने अपनी पत्नी को, तो वो क्या हो गई, क्विटेंट हो गई, क्विटेंट मतलब था शांत हो जाना, क्विटेंट डाउन, शांत हो गई। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, वाइल के दौरान सुपरवाइजिंग होता है निरीक्षण करना, द कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण, निर्माण का निरीक्षण करने के दौरान घर का, शी हैड कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड होता है विकसित कर लेना, उसने कल्टीवेट कर लिया था, विकसित कर लिया था लव फॉर हर नेबर्स, तो वहाँ वो रोजाना आती जाती थी, तो आस पड़ोस के घर जो थे उसके साथ में उसकी मित्रता, वो औरत थी तो वहाँ पर मेलजोल चला रहता था, तो पड़ोसियों के साथ में उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी इन द कॉलोनी। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान, और वो सोचती थी बहुत सारे, वेरियस मतलब था अनेक प्रकार के प्लान, योजना है, डूइंग अप द हाउस, जो कि यार ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, अब ये सब चीजें जो है वो क्या होने वाली थी, फॉरगेट होने वाली थी, फॉरगेट होता है भूल जाना, भुला देना, सब चीजें भुला देने वाली थी उनके अंदर, क्योंकि मकान जो सरकार के कब्जे में जा चुका था। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, इसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया उसके पति का मिस्टर मलिक का, और मिसेज मलिक जो है आज हैप्पी, मिसेज मलिक इस बात पे खुश थी कि यार चलो घर में तो जा नहीं सकते और यहाँ रहते हैं तो इस घर की बार बार याद आती है, इस घर को सामने देख करके और तकलीफ होती है, तो अपने क्या करेंगे, इस घर को यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद में नहीं देख पाएंगे तो अच्छी बात है। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, उसके बाद उसने अपने घर को नहीं देखा, रिग्रेट नॉट बींग एबल टू लिव इन इट एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट फील कंसोल्ड, रिग्रेट मतलब होता है पछतावा करना, कि उसको बार बार पछतावा होगा कि वो रह नहीं पाई इस मकान के अंदर, एंड देन थिंकिंग, अब तब सोचेगी ऑफ द सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल होता है वैकल्पिक या ठोस, यहाँ मतलब होगा ठोस, भौतिक रूप से जो उनके हाथों में आ रहा है, रेंट मतलब किराया, जो किराया आ रहा है उनके खाते के अंदर वैकल्पिक रूप से, वो क्या होगी उनके लिए, एक अच्छी कंसोल्ड होगी, कंसोल्ड मतलब सांत्वना, किसी के दुख के अंदर थोड़ा राहत मिलना, कि यार ये थोड़ा किराया तो आ रहा है चलो ये अच्छी बात है। ट्रांसफर्ड
ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते हुए, दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स, उनको बहुत साल लगे फ्रॉम अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर पोस्टिंग होने के अंदर उनके अंदर बहुत सारा टाइम उनको लगा। इन द मीनवाइल, मीनवाइल होता है इसी दौरान, इसी दौरान क्या हुआ, मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, तो बेचारी जो बूढ़िया थी, उनकी सासू माँ थी, मदर इन लॉ जो थी, वो पास्ड अवे मतलब गुजर गई, जिसके लिए वो 10x8 का रूम बनाया था मिसेज मलिक ने अपनी गलत सोच या गलत धारणा के कारण। तो वो बुजुर्ग महिला जो है बेचारी, उनका निधन हो जाता है, एक्सपायर हो जाती है। देयर डॉटर, मिसेज मलिक की जो डॉटर है, हैड बीन मैरिड, उसकी भी शादी हो जाती है। इन ए वे, और एक तरीके से, दे वर लकी, वे लोग लकी थे, दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड, कि उन्होंने अपने किराए मकान को क्या दे दिया था, रेंट पे दे दिया था गवर्नमेंट को। प्राइवेट टेनेंट्स, क्योंकि प्राइवेट जो टेनेंट्स थे, टेनेंट्स मतलब थे किराएदार, कि जो प्राइवेट किराएदार होते हैं आर सच ए हेडेक, वो तो क्या होते हैं, एक प्रकार की माथापोड़ी होती है, हेडक मतलब होता है माथापोड़ी, कि यार वो ना तो किराया देते हैं टाइम पर, ना कोई बात है। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट, उनकी कंप्लेंट कभी खत्म ही नहीं होती है, एंड डिमांड होता है मांग, ना तो उनकी मांग खत्म होती है, कभी कहते हैं ये खराब हो गया, कभी ऐसे ही करवा के दो, रिपेयरिंग करवा के दो। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन पेमेंट ऑफ रेंट, और तब इससे ज्यादा बात करें कि ऑफन होता है प्राय, वो लोग क्या नहीं होते, रेगुलर नहीं होते, इरेगुलर होते हैं। सरकार जो है इरेगुलर नहीं होती, इरेगुलर मतलब अनियमित, पेमेंट के मोड के अंदर सरकार कभी भी इरेगुलर नहीं होती है। सरकार के पैसे जो, वो टाइम से चेक बन के उनके खाते में रेंट आ जाता था, रेंट मतलब किराया। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि मिसेज मलिक जो है उनके मकान की रिक्वेस्टेंस किया गया था, रिक्वेस्ट मतलब मांग करना, जरूरत आवश्यकता पड़ना, बाय द गवर्नमेंट द रेंट वाज क्रेडिटेड, क्योंकि सरकार ने उसको मांग की थी किराए के लिए, तो रेंट जो वो क्रेडिट हो जाता था, क्रेडिट मतलब जमा हो जाता था टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ, रेगुलरली, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से। ओनली देयर सन रिमेंड टू बी मैरिड नाउ, अब रिमेंड होता बाकी बचना, अब केवल उनका लड़का जो है वो बाकी बचा था, मैरिड होता शादी होना, उनके लड़के की शादी नहीं हुई थी, बाकी उनकी लड़की की शादी हो चुकी थी और वो शादीशुदा हो चुकी थी। मिस्टर मलिक थॉट, मिस्टर मलिक ने सोचा, दैट दे वुड रादर, रादर मतलब अच्छा होगा, बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, रिटायर मतलब होता है जब अपनी नौकरी से वो रिटायरमेंट लेंगे, सेवानिवृत्त होंगे, तो उससे पहले पहले कहता है कि जब तक नौकरी में है तब तक लड़के की शादी भी कर लेते हैं। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके लड़के की भी शादी हो गई, मिस्टर मलिक जो हैड रिटायर्ड, वो मिस्टर मलिक इसके बाद रिटायर हो गए सर्विस से, बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज, परंतु उनका मकान जो है अभी तक भी रिलीज नहीं किया गया, रिलीज होता है मुक्त कर देना, फ्री कर देना, सरकार ने अभी तक उनका मकान जो फ्री नहीं किया। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस, मिस्टर और मिसेज मलिक जो है अपने डॉटर इन लॉ के साथ, डॉटर इन लॉ बोलते हैं पुत्र वधु को, पुत्र वधु अपने बेटे की जो बहू है उसको, डॉटर इन लॉ को, इन ए रेंटेड, रेंटेड मतलब किराए का, वो किराए के घर में रहते थे अपने लड़के और पुत्र वधु के साथ। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग, अब मिस्टर मलिक जो है वो उन्होंने केस लड़ना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ, कि यार हमारा मकान है, उन्होंने कब्जा कर रखा है, गवर्नमेंट फॉर रिलीज, रिलीज छोड़ने के लिए ऑफ द हाउस, व्हेन हिज एंड केम, जब उनका एंड आ गया, एंड मतलब इनका, मिस्टर मलिक जो है वो या तो कि कहीं बीमार हुए या कुछ और हुआ और वो स्वर्ग सिधार गए, ही पास्ड अवे विदाउट बींग एबल, और वो बेचारे गुजर गए, पास्ड अवे मतलब गुजर गए, विदाउट बींग एबल, बींग एबल मतलब योग्य हो पाना, अपने जीते जी वो योग्य नहीं हो पाए, लिव इन हिज हाउस इवन फॉर ए डे, नहीं रह पाए अपने घर में, इवन मतलब यहाँ तक कि कितने देर के लिए, एक दिन भी नहीं रह पाए। नाउ विद इन 3 months, अब 3 महीने हो गए थे मिस्टर मलिक को एक्सपायर हुए, और 3 महीनों के बाद में हाउस वाज डी रिक्वेस्टेंट, अब की बात सरकार जो है उसने मकान को क्या कर दिया, डी रिक्वेस्टेंट कर दिया, रिक्वेस्ट मतलब पुनः मांग नहीं की आगे के लिए, और फ्री कर दिया। मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ वाज कीनर देन मिस्टर
एंड मिसेज मलिक टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस। श्रीमती मलिक जो है उनकी डॉटर इन लॉ जो थी, पुत्र वधु थी, जो लड़की थी उसकी शादी अभी भी हुई थी, तो वो अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में क्या थी, किन्नर थी। किन्नर मतलब था जिज्ञासु थी। श्रीमती मलिक अब उसके पति जो है वो चल बसे थे, तो वो अब उसका जो है वो नए मकान के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो गया था, लेकिन श्रीमती मलिक की पुत्र वधु जो है वो और ज़्यादा तीव्र रुचि ले रही थी शिफ्ट होने के अंदर अपने नए मकान के अंदर। तो यहाँ तक की कहानी में हम पढ़ा कि किस प्रकार से मिसिज मलिक जो है वो 10x8 का रूम बनाती है अपने सास के लिए, लेकिन मकान में वो लोग रह नहीं पाते हैं और मकान जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो ऑन रेंट किया जाता है, किराए पर ले लिया जाता है और उनको रेंट दिया जाता है। श्रीमान मलिक जो है वो इसी चक्कर के अंदर केस लड़ते लड़ते जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, और अंत में जब बारी आती है फ्री होकर के जाने की, तो तब तक श्रीमती मलिक जो है वो अपना इंटरेस्ट खो चुकी होती है, लेकिन उनके पुत्र वधु और पुत्र जो है वो गहरी रुचि लेते हैं उस मकान में जाने के लिए। तो इसके आगे का चैप्टर जो है वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि आगे क्या जो है इस कहानी के अंदर होता है और क्या हमारे को शिक्षा मिलती है इस पार्ट से। तो यहाँ तक की वीडियो के अंदर यही पढ़ेंगे अपने। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताएं वीडियो के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.